किसी ने बड़ी शिद्दत से कहा है, औरों को जो भी मिला है मुकद्दर से मिला है, पर मुझे तो मुकद्दर ही तेरे दर से मिला है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप लोग के आरजे सत्या होस्ट और दोस्त, और वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव सत्या वन। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए गाइस, आप लोग के लिए आज एक ऐसी मिसाल की कहानी जो आपकी आपको लक्ष्य को हासिल करने में आप लोगों की मदद करेगी दोस्तों। तो चलिए गाइस, ये कहानी पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बताएंगे। दरअसल ये कहानी एक आदमी की है जो एक्चुअली रेगिस्तान में घूम गया था। तो उसने क्या किया, उसको खाना पीना जो भी लिया था उसका ख़त्म हो गया। तब तो उसने हौसला धीरे धीरे उसकी हर कम होने लगी कि खाना नहीं है, पानी नहीं है, क्या करेगा वो। तभी वो क्या कह रहा, घूमता रहा। लेकिन भगवान के ऊपर उसका भरोसा हमेशा था दोस्तों। तो उसने क्या किया, ऐसे घूमता रहा, बहुत घूमना, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तभी उसने एक झोंपड़ी देखी दोस्तों, और उस झोंपड़ी के पास कोई और घर नहीं था, अकेला एक झोंपड़ी था। तो उसने बहुत खुश हो गया देख कि एक तो घर मिला जो भी हो, और उसको उसका मंजिल शायद मिल जाएगा वहाँ से। दौड़ते चला गया वहाँ पे दोस्तों, भूखा प्यासा। तब उसको जाके वो जब घर वही झोपड़ी के पास पहुँचा तो उसके देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था दोस्तों। तो उसकी हिम्मत फिर से टूटने लगी, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा था। तभी तो उसके नज़र एक ट्यूबवेल पे आके पड़ा, और वो ट्यूबवेल देख के बहुत खुश हो गया वो, और देख को जाके उसको हैंड पम्प जो है ना उसको मारने लगा, लेकिन पानी नहीं निकला दोस्तों। तब उसने सोचा कि हे भगवान, मुझे पानी भी थोड़ा नसीब नहीं हो पा रही है। और तभी वो हिम्मत हार कर जब वो वहाँ पे बैठने लगा, तभी उसकी नज़र एक पानी का बॉटल था ऊपर में कोई घर में, उसकी नज़र आया। तब उसने और फिर से खुश हो गया, और पानी का बोतल जब ले के वहाँ पे जाके देखा तो पानी के बोतल के अंदर पानी था, लेकिन उसके साथ एक चिट्ठी थी दोस्तों। और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, ये पानी आप हैंडपम्प में डालेंगे तभी पानी निकलेगा, और आप पानी पीने के बाद फिर से वो डब्बा मतलब वही बोतल भर के वहीं पे रख देना। तब उसने सोचा कि हिम्मत नहीं है, वो ऑलरेडी उसकी मतलब गला सूख रहा था। तब उसने सोचा कि पानी पीऊँ या पानी हैंडपम्प पे डालूँ फिर पीऊँ। तब उसने लेकिन अपनी दिल की सुनी, दिमाग की नहीं, और उसने जाकर फिर पानी डाला हैंडपम्प में, और हैंडपम्प से पानी निकाला, ठंडा पानी निकला, बोतल में पानी भर के पिया, और फिर बोतल में पानी भर के वहाँ पर रख दिया जो चिट्ठी में लिखा हुआ था उसी के हिसाब से। और उसके बाद उसने जब बाहर आ रहा था घर के बाहर, तभी उसकी नज़र एक साइड में एक कोने में पड़ा, और जहाँ पे एक मैप था, नक्शा। और वो नक्शा में क्या था आपको पता है दोस्तों? उसी रेगिस्तान की रास्ता कि कहाँ कैसे बाहर निकले उसने टेस्टिंग किया। थोड़ी देर हो गया उसके हिसाब से, तो उसने देखा कि हाँ ये सही है, और उसने वो नक्शा को पढ़ के उसके बाद वो रेगिस्तान से बाहर आ गया। इससे आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों? खुद में हिम्मत और ऊपर वाले में भरोसा हमेशा रखें दोस्तों, आप अपनी लक्ष्य में ज़रूर सफल होंगे। ये कहानी उन लोग के लिए है जो जल्दी हार मान जाते हैं दोस्तों। हार मानने को ही नहीं है दोस्तों, अपनी तकदीर अपने हाथ से लिखना है। भगवान ने लिखा है जो होगा वही, लेकिन हमें कोशिश तो करनी होगी। कोशिश करेंगे तभी सफल होंगे दोस्तों, क्योंकि भगवान किसी का बुरा नहीं चाहता है, कभी भी नहीं चाहता है दोस्तों। तो गाइज, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है क्रिएटिव सत्यावान, मैं हूँ आपका आरजे सत्या। थैंक यू।